हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, इसमें सोर्स यहाँ रखा हुआ है एल डिस्टेंस पर, और एक रास्ता, जो एक ये रास्ता है जिस पर एक आदमी चल रहा है 2L डिस्टेंस पर, ठीक है? तो इस रास्ते पर चलते चलते मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस के अंदर इस सोर्स की इमेज ये देख सकता है, ठीक है ना? मैक्सिमम कितनी लेंथ में ये सोर्स की इमेज देख सकता है? सोर्स यहाँ पर है, रास्ता आपका यहाँ पर है, और सोर्स बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर है इस मिरर के। मिरर की लेंथ डी है, तो ये कितनी है? D/2 है। ये कितनी है? D/2 है। इस तरह से देख लो आप, ठीक है? तो आपको देखना है इस रास्ते पर चलते चलते कितनी लेंथ के लिए उसको इमेज दिखाई देगी। तो क्या करेंगे आप? वही इमेज का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर लीजिए, बात खत्म है। और क्या, इसमें तो दिक्कत ही नहीं ना। आपने सोर्स की इमेज बना ली, यहाँ पर ये रही इमेज लो, तो फील्ड ऑफ व्यू कहाँ होगा इसका? ये रहा फील्ड ऑफ, ये क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू उधर आएगा। अब ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से गई होगी इस तरीके से, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से ऐसे गिरती होगी, तो फिर ऐसे जाती होगी। तो ये फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकाल दो आप, तो आपको दिक्कत आएगी क्या इसमें? बिल्कुल नहीं आ सकती। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो अगर ये लेंथ देख लो एक बार, ये वाली लेंथ D/2 आई, क्योंकि एस मिडिल में था, तो इसलिए ये वाली लेंथ भी पक्का कितनी हो जाएगी? D/2 हो जाएगी। इसी तरह से ये D/2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? D/2 हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ निकाल दो पूरी कितनी होगी। देखो ये तो D/2 ही आ रही है वाली, तो ये तो D/2 ही आ गई, ठीक है? और ये फिर दे रखा है आपको, यहाँ से आप उससे लगा सकते हैं टेन थीटा को इक्वेट करते हुए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कितना करेंगे आप? ये वाली कितनी दे रखी है आपको? ये एल लेंथ दे रखी है शायद आपको, ये एल है, और ये कितनी है आपकी? 2L है। तो अप्लाई कर दीजिए टेन थीटा यहाँ से, इसको वाई मान लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वस टू वाई अपॉन 2L इक्वल टू D/2L। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? डी आ गया, ठीक है? तो वाई इक्वस टू डी आ गया, ये वाला भी D/2 हो जाएगी, और फिर से बिल्कुल इसी तरह से ये वाला वाई भी कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी प्लस डी वाई कितना हो गया? ये वाला कितना हो गया? डी हो गया। तो कितनी लेंथ आ गई आपके पास ए बी पाथ पे, जो पाथ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें कि इमेज दिख सकती है, कितने बराबर आ जाएगी? ए बी इक्वस टू डी प्लस डी, 3D के बराबर आ जाएगी, 3D लेंथ पर वो दिख सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था नोट्स में से, हमेशा आपके पैकेज में भी ये क्वेश्चन शायद, वो फेमस क्वेश्चन है, सीधा आया था मेंस में बिना किसी चेंज के।